वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो पंजाबी विरासत यूएसए चैनल में हाँ चरणजीत कौर यूके तो अज असीं तुहानूं लैके आए हाँ लंडन। लंडन जिथे इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट काफ़ी वड्डा रोस प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आप बिल्कुल वो सामने खड़े हाँ। इतने काफ़ी लोग आए हैं यूके भर तो सिख संस्थावां जथेबंदियां सारी इतने हाजिर हुई हैं। आओ आप उत्थे देखते हैं कि चल रहा है, क्योंकि जो भाई अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब के जो मुखिया उन्होंने गिरफ्तार किया गया, हर पास पंजाब के बच्चे बच्चे गिरफ्तार के लजाया जा रहा है। आओ आप प्रोटेस्ट के वेखिए कि इतने की हो रहा, अपने जानकारी हासिल करते हैं। जुड़े रहो साढ़े नाल, देखते रहो। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। तुम जुड़ चुके पंजाबी विरासत यूएसए चैनल अज के इस खास प्रदर्शन के बारे में। हाँ जी, देखो जोड़ा इतने इकट्ठ होया, पांच दिन पहलों जोड़ी घटना पंजाब की धरती पर हुई सी। आपको पता कि 2 मार्च को अमित शाह भगवंत मान को लेकर 16 दिन उन्होंने प्लान किया, 19,000 पैरामिलिट्री भेज के पंजाब में। वो दिन दिखा के 40 साल पहले आप देखे से, उदों भी बाल दिन सरकार ने पता से की हो रहा है। हूँ भी हजारों के साथ सिख इस मौके कनेडा अमरीका यूरोप आस्ट्रेलिया और पंजाब की धरती में, पर फर्क ये आ कि सिख जाग रहे हैं। जिन्हा कट 5 दिनों में होया इंडिया सरकार सुनिया है कि तुम पंजाब के लोगों सिखों चाहते जगह असं जागते हैं। खास तौर पर जी नौजवान पीढ़ी आ जो कहते चमक रहे हैं बहुत बड़ी गिनती पहुंचे हैं, तो जरा प्रोवोकेशन इंडियन हाई कमीशन कर रहा है। मैंने लगता है आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी गल कर रहे हैं, पंजाबी स्रोत लोग ऐसी उन्होंने प्रोवोकेशन किया। देखो कई कानून नौजवान ने पर वक्त वक्त जथेबंदियों ने जसपाल सिंह मंच पर बारे पता लगा भी उन्होंने घर में जाकर अरेस्ट कर रहे हैं। कई कानून प्रोटेस्ट के खिलाफ विचार नहीं हो सकते, जो मर्जी लागू कर सकते, पर मेन चीज से 16 दिन G20 मीटिंग मीडिया ने यही समझ इसे कि जागरे असं एक्सपोज करना इंडिया सरकार खत्म होने वाली है। ठीक है जी, भाई अमृतपाल सिंह जी तुम की लगता है कि भाई अमृतपाल सिंह ने छड़ देंगे या नहीं? देखो जी, भाई अमृतपाल सिंह पहली चीज है शुरुआत हो गया अरेस्ट हो गया चढ़ती कला चाहिए पेड़ आ इंडिया सरकार ने हर 24 घंटे इंडियन हाई कमीशन ने सवेरे वीडियो बनाई इतने लंडन वाले, क्या पंजाब कोई खतरा नहीं, पंजाबियों तुम आओ इतने इंटरनेट चलता, पर आप पता अपना रिश्तेदार फोन करके पुछो इंटरनेट नहीं चलता झूठ बोल रहा। तो जी गल भाई अमृतपाल सिंह आने वाले दिनों में होने नहीं, पर वो तो इस राह पर तुरया से कि जे शहादत देनी पे वो दिन मुख्य गिरफ्तारी का मेन रीजन की है। देखो जरा काम अमृतपाल सिंह कर रहे हैं नशा तो छुपाना अमृत छुपा, मैंने हर पोलिटिकल लीडर को दुख से उस गल पंजाब सेंटर सरकार ने जी गल असी कहने जो बोगस उन्होंने एलीगेशन मीडिया में लग रहा है ये रातों रात लग है, तो असं बिलीव नहीं करते मीडिया में पुलिस तक नहीं आ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਐਵਿਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਜੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵਿਡੈਂਸ ਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 गुरु कलगी जो जो इतने जन्म होया चढ़ती कला हुई है बेशक अब भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी के साडे नौजवान वीर बड़ा तशद्द हो रहा है उन्होंने जेलों के बंद किया जा रहा है वो रोस की वजह असी इन सामने जोड़ा है वो आवाज बुलंद करने आए थी इन वालों बड़ी गलियां की गई है जोड़े हाई कमीशन के जोड़े लोग ने जोड़े उपर मैं उन्होंने बाम नहीं कह सकता धर्मी लोग तो है नहीं आना वालों उपर साढ़े उपर शाही सीधी गई है जिसके दाग देख सकते हो इन्होंने अपने चेहरे बड़ा वाला थप्पा लाया है खालसा की चढ़ती कला रही है चढ़ती कला रहेगी और देखो उपर चढ़ के ये जत्थे कर रहे हैं झंडा लहरा के भड़काया जा सके नौजवान ने जेड़े नशे बेचण वाले हैं सरकारी बंदे उन्होंने अमृतपाल सिंह जल पुलिस के नाल जो प्रचार हुंदा सी सिखी का इनू बंद कराने उन्होंने पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार किया है अभी जिते भी हैगा अभी उसकी रिहाई ले बंद करके इंग्लैंड के जिन्हें भी नौजवान हैं जिन्हें भी सारिया बस चढ़ के उसके हक के अज लंदन गुजारा करते हैं जन्ना चक्कर साडा घर पाकिस्तान नहीं बनता चक्कर सानू हक नहीं मिलना जो मोदी गिरफ्तारी के ब्रंट तो 154 मुंडे जिहड़े जिन्हां दे विच 12 साल 15 साल विच बजुर्ग भी आ उन्हां नूं अरेस्ट किया गया उहदा कारण इवें आ कि जिवें ब्रिटिश गौरमेंट जदों भी जिलियांवाले बाग दे विच जिहदा रॉयल एक्ट एक कानून बनाया सी जिन्हां नूं लोकां ने बाहर आण के उहदा बहुत कीता तो उत्थे जनरल डायर ने मशीन गन ला के होले पाले लोकां नूं उत्थे शहीद किया वो सेम जिहड़ी चीज़ 1984 दे विच इंडिया गौरमेंट ने अकाल तख्त के उत्ते अटैक किया सी और दिल्ली दे विच नौजवान बच्चे बुढ़े उन्होंने गलां च टायर पा के उन्होंने शहीद किया गया उन्होंने छोटे छोटे बच्चों गैसों के उत्ते जालिया गया पर अज हिंदुस्तान दे विच जिहड़े लोग आ वो गुलाम जिहड़े विदेशों दे विच सिख आए आ उन्होंने बहुत बुलंदियों के उत्ते अपने
कारोबार तो इस गौरमेंटा के बड़िया बड़िया उन्होंने कंट्रीब्यूशन कीतिया। पर अज एक गल इदा भी अज घर लोग निकल आए आ विदेशों के बच्चे वो क्यों निकले आ भी अज उत्थे दे इदा इदा दे कानून इन्ने काले कानून बना के नौजवान पीढ़ी उन्हां दियां जज्बातां उन्हां दी अंदरली आत्मा उन्हां दे धर्म नूं ठेस पजा रहे हैं। ये जिहड़ा मुंडा अमृतपाल ये 10 साल दुबई में रहा जदों इन्हें दीप सिद्धू का एक्सीडेंट सुनिया वो एक दीप सिद्धू दियां 3 स्पीचां इंडिया गौरमेंट ने शायद सुनिया होणगियां मोदी ने भी उन्हें ये गल दसी आ भई सिखां दे लई ये जिहड़ा साडा राज जिहड़ा जिहनूं असीं कहिंदे आ आजादी आजादी नहीं हुई इहदे च बर्बादी हुई आ क्योंकि पुराना इतिहास जिस मुल्क च असीं खड़े हाँ महाराजा रणजीत सिंह का राज दिल्ली तो लैके को हिमालिया तक रहा पर 39 साल राज कीता राज करन तो बाद 1849 दे विच ब्रिटिश रूल होया जिहदे विच उन्होंने लड़के नूं दलीप सिंह नूं इत्थे लै आंदा 1700 एकड़ जमीन 40 बैडरूम का घर उन्होंने बना के दिता पर उन्होंने पिता पुरख ही अपने धर्म तो उन्होंने तोड़िया गया। पर अज जिहड़े नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे यूनीवर्सिटियां दे विच आ उन्हां नूं अज पता लग गया भई साडी खुदमुख्तियारी चाहीदी आ साडा रूल सी साडी करंसी सी साडी फौज सी ब्रिटिश गौरमेंट दे नालों भी कारगल फौज सी जिहदे विच 1,23,000 घोड़सवार सन। पर अज ये लोग भुल गए आ क्यों भुले आ इन्हां ने देखिया भी जिहड़े पंजाबी नौजवान इहनां जी जज्बात बहुत आ इन्हां नूं ना तां कारोबार दवो ना इन्हां नूं कोई चंगी नौकरी दवो ये विदेशां दे विच रुल जाणगे तां इह जिहड़ी पंजाब दी धरती आ इहनूं असीं काबू कर लवांगे। पर नहीं अज नौजवान जिहड़ा विदेशां दे विच आउंदा उहनूं पता लग गया भई साडे मुल्क विच सानूं चंगे पढ़ाई हुंदी चंगे होस्पिटल हुंदे चंगे घर हुंदे तां जिहड़े धर्म दे ठेकेदार आ जिन्हां ने गुरद्वारिआं दे उत्ते कब्जे कीते आ उह पैसा जिहड़ा नौजवान बच्चे बच्चियां दे लई पर अज ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਲਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਾਂਬਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੈਣ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਆ ਉਸ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਭਲਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਆਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨੈਰੀਓ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਛਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਆਹ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਗਡੋਰ ਨਾ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਔਰਸ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਗੋਰੇ ਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਣੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਗਰਮੀ ਸਿੰਘ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ There's been the Sangat from that's coming from the Midlands have had their coach pulled over by the police. Police have been following cars into London. Police in Smethwick and Birmingham, the notorious West Midlands police, have been gathering info from G&G Smethwick coaches. Sick car drivers in Birmingham are being stopped and searched by police without any reason. Just now, I've also... Punjab, right now, Punjab police have giraftar Jaggi's lawyer, Jaspal Singh Manjpur, has been lifted from his house and taken into police custody. That's just happened. Jaspal Singh Manjpur from Punjab Lawyers is the one that put together the list of 154 names. All of those Najwan, what villages they're from, and the charges that have been put against them. That's what he did. He's a legit and ethical Kharku Singhs. He's been representing them for decades. He himself was in prison before. And now, just today, they've lifted him from his house. So this is the conditions that we're facing. I know people here might be getting tired of listening to the speeches and you just want to satisfy yourself with nare. I want that as well. But it's important that we gathered here today to understand the struggle that we're in is a piri dar piri sangash. It's a generational conflict.
जिदा भाई अवतार सिंह कह के गए द रिप्रेजेंटेटिव फॉर वाइस पंजाब इन द यूके दैट इफ आवर नौजवान आवर अगली पीढ़ी इज वे आवर नौजवान दैट आर विटनेसिंग दिस from the government today that are witnessing the repression today God's hati jummewari ban diya ke agli peeri badla lave that's the only way this sangharsh is going to move forward and in order to do that you have to politically educate yourselves about the struggle but sanshita paida karo apne sangharsh wale padho don't rely on the main day or representatives or politicians to speak on your behalf baki sari duniya de kann bole ya the only ears that listening right now that matter are all of yours to ade modde utte zimmedari aa bahut cher di zimmedari aa jehde sade naujawan veer apniyan jaanan maar gaye aa ohna da karj aa sade moddhyan de utte is not just these days we get together one day a year when something happens we should be feeling the karj aa the debt that's on our shoulders from a generation of sikh martyrs that spilled their blood for the liberation of khalistan with blood for blood. This generation of martyrs laid their heads on their palms of their hands and walked through the burning fire of Indian government repression. That's the legacy that Amritpal Singh evoked within us. That's why he became an instant hit amongst the Naujawan. They saw that again for the first time somebody is walking this path fearlessly. From all of his speeches, from everything he said, the path that he was treading, this is the only path that's going to take us to our liberation, to our azadi. Aithe assi bahut sukh aaram diyan jindagiyan jee sakde ha. The most you can get from the UK is you can earn money or you can have a position in someone else's government. Beyond that, there's no notion of success here. For the Qaum, you can get as much money as you want and you can reach whatever position you want. There's no deal that can be done without sovereignty. Those two things are not equivalent. Our azadi, Khalistan di gal, and samjho, connect our younger generation that Punjab was free and today is occupied by the Indian state, is occupied by the Pakistan government. Punjab was divided in 1947. Punjab was divided strategically by the British government. They knew the Sikh capital was in Lahore and the Sikh spiritual capital was the Akal Takht. They strategically divided Punjab to keep those countries locked in conflict. The same thing these colonizers did in Africa. This is all by design. We've been displaced and there's a generation of displacement that's ongoing. There's only one solution, it's Khalistan. And ye bahut aukhe pande lamba raha hai ishq da jinhe assi apne ghar nu wapas jana chahunde ha. This is a long path that we have to continue the struggle over generations. And niyat bentiya, a couple of another announcement. There's langar tiyar that's on the left hand side. Langar sevadara walon langar tiyar hai. The Naujawans are always organized the protest and put in the effort. Okay, buzurgan ko pehla langar chakan do. Yes, all the prabandh is over there. Pani da prabandh hega ya. Ta hun ga bhai Manpreet Singh World Sikh Parliament ta de naal apne vichar sanje karoge. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. मैं एक गल पहला तो इन्हों दसदा जो बहुत रो रहे ने पिछले दो दिन पहले जी घटना वापरी है ये डरपोक कौम है ये डरपोक मुल्क है जेडे अपने फौजियों दी लाशां लैण तो भी इनकार कर देंगे सन तो हुण झंडा लथे दा एडा दोष क्यों एडा गुस्सा क्यों एडा रो क्यों तुहाडे इस झंडे नूं असीं इत्थे कारपेट बना लिया उहदे उत्ते खड़े हाँ जाओ जो करना कर लो जाओ जो करना कर लो तुहाडे सामने खड़ के इत्थे गल कर रहे हैं चुगलियां कर रहे कभी लंडन दे मेयर नूं कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नूं जे तुसी जिउंदा जागदा भाई अमृतपाल सिंह सानूं वापस ना कीता ते तुसी देख लो तुहाडा की हाल बनना है मत जाणियो कि जो दीप सिद्धू नाल तुसी कर दित्ता भुलभुलेखे एक्सीडेंट दस दिता कुछ भी दस दिता जे भाई अमृतपाल का भावे एक्सीडेंट दस्यो भावे कुछ भी दस्यो ओदे कतल दे जिम्मेवार तुसी और सिख कौम खालसा पंथ हिक दे जोर ते बदला लहूगी असल विच गल ए है इस कौम ने
अपनी स्ट्रैटेजी साडे लई एसिमिलेशन दी बना ली सी, पर भाई अमृतपाल सिंह ने कुछ एक दिन के ही प्रचार विच खालसा वहीरां कत के इन्हां नूं दस दिता असी एसिमिलेट होण वाले नहीं, साडा अपना सरूप है, साडी अपनी पहचान है, ते ना ही असी जेनोसाइड भुल्ले हां, ना ही असी भुल्ले हां दरबार साहब का हमला। इसे गल्लों ही ये परेशान ने, ये दिक्कत विच ने, ताइयों इन्हां ने अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे साथियों नूं चक्किया है। पर एक गल दस दईए, एक दीप सिद्धू गया सी ते खालसा वहीरां चल पईआं ने, ते जे तुसी बहुत जल्दी अमृतपाल सिंह जी का थाओ पता सानू ना दसिया, ते मैं तुहानू इह वी दसदा वी सारा पंजाब सड़कां ते उतरन वाला है। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BSF ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ 1984 ਨਹੀਂ, ਇਹ 2023 ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੈੜਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। चाहे रेफरेंडम की मुहिम होवे, ते चाहे होवे जिहड़ी पंजाब नूं आजाद कराने की मुहिम जिहड़ी उत्थे ग्राउंड ते चल रही है, ते चाहे होवे बंदी सिंघां दा मोर्चा, असी इत्थों एक गल दा भुलेखा ना रखियो भी असी बाहर बैठे कितें गल्लां करदे हां, जिस दिन लोड़ पई उत्थे सारियां ने असी जा वड़ना, इस गल दा भुलेखा ना रखियो। ते मैं एक गल जरूर दस दिआं इहनां नूं, इह जिहड़ा वड्डा जिहा झंडा लई फिरदे ने, जदों भारत का कोई फौजी मरदा है तो उहदे उत्ते तिरंगा लाया जांदा है, ते जदों पूरे मुल्क की जमीन मर जाए फिर एडे वड्डे वड्डे झंडे लाने पैंदे ने, ठीक है ना जी। इस पूरी मुल्क की जमीन ही मर चुकी है, क्योंकि इन्हां नूं शर्म हया कोई है ही नहीं। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचन ने, श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, पापी के मारने को पाप महाबली है, एक गल एक कन बन लैन, ये साडे गुरु का फरमान है। जिन्ने तुसी पाप कीते ने तुहाडे तो कल्ले कल्ले का हिसाब लेना है, और तुहाडा मुल्क टुटना निश्चित है, अज टुटे भावें कल टुटे। तुहानू इत्थे खड़ के वादा करदे हां, असी रहीए ना रहीए जद तक सिख कौम के अखीरले बच्चे दे अंदर साह बनूगा, खालिस्तान भी, कश्मीर भी बनूगा, उधरों असाम वालियां स्टेटां भी आजाद होणगियां, करनाटका भी आजाद होएगा, तुहाडे मुल्क दे एडे छोटे छोटे टुकड़े हो जाणगे, तुसी याद रखोगे ये गल। आओ आपां सिख कौम अपना इको एक एजेंडा है, कोई होर एजेंडा नहीं, एक गल आपां याद रख लीए, चाहे मोर्चा है, चाहे अमृत भाई अमृतपाल सिंह जी का इशू है, चाहे रेफरेंडम है, साडा इको एक निशाना क्रिस्टल क्लीयर है, कोई वध अधिकार नहीं, कोई वैटिकन स्टेट का सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, सानू सिर्फ इको चीज चाहिए है, खालिस्तान। सो आओ इन्हां दे बोले कन्ना ते आवाज जिहड़ी है पहुंचा दीए, खालिस्तान खालिस्तान बन के रहूगा, लेके रहांगे, भाई कुलदीप सिंह चहेरू, उन्हां तो बाद भाई दुपिंदर जीत सिंह फ्रॉम फॉर जस्टिस। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज ते हजारां सिख नौजवान बीबियां बच्चे ते बजुर्गों का कट दसदा है कि पंजाब विच
जो पिछले हफ्ते तो वारस पंजाब के मुखी अमरपाल सिंह उन्होंने होर मैंबर होर पंथक जथेबंदियों के मैंबर के जो घर छापे पै रहे हैं गिरफ्तारियां कीतियां जा रही हैं पंजाब दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है सिखां नूं बदनाम करने वास्ते मीडिया से बहुत घटिया खबरें चलाई जा रही हैं। अज का यह इकट्ठ अमृतपाल उसके साथियों पंजाब होर नौजवान जिहड़े भी चक्के जा रहे हैं उन्हों का विरोध करता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 1947 तो अज तक कोई भी पंथक मुद्दा होवे सीरीयसली नहीं लिया हर बार सिखां नूं दबण दी कुचलण दी कोशिश की है जिस विच कदे भी कामयाब नहीं होणगे हिंदुस्तान टुट के रहेगा खालिस्तान बन के रहेगा जे चीज की नींह रखी जाए वह बन के रहिंदा है खालिस्तान की नींह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने 1984 जून के घल्लूघारे तो पहला कहा सी अगर हिंदुस्तान की सरकार हमला करती है तो खालिस्तान की नींह रखी जाएगी खालिस्तान की नींह रखी गई है आप अपना अपना योगदान पाइए अज जिन्हें भी चल के आए हो सारे ही धनता के योग हैं पंजाब सरकार हिंदुस्तान की सरकार जिहड़े नौजवानों के तशद्दुद कर रही है वह बहुत ही निंदन योग है यूके में सिखा वालों उन्होंने चेतावनी है कि तुसी अगर इन नौजवानों का कोई नुकसान किया तो पंजाब हिंदुस्तान की सरकार लई बहुत महंगा पवेगा पूरी दुनिया के सिख पंजाब दीआं घटनावां ते निगाह रख रहे हैं आने वाले समय में असी पंजाब के सिखां ते तशद्दुद नहीं झल्लांगे असी हर समय पंजाब के सिख नौजवानों नाल खड़े हाँ मैं बहुत समा ना लेंदा हाँ खिमे का जा चुका आईया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले समय में वीकेंड से एतवार को असी कोई प्रोग्राम प्लैन कर रहे हैं छेती ही उसकी अनाउंसमेंट भी करा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह If you're not responding and you're not letting them know, there's no point in being here. Break this! Break this! Break this! Let's get out! Palestine! Sadi Jin! सत्संग जी वाहेगुरु जी का खालसा आप जी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ने खड़े पैर रखे प्रोग्राम शमूलियत करके इन्हू कामयाब बनाया मेरे साथी सारिया तकरीबन गल करते हैं मैं एक दो बेनती ही करता जो कोई अपना बंदा चढ़ती कला का काम करता सब तो ज्यादा विरोध तो वो भी अपने बंदे ही करते हैं इस मसले के जिन्ना पंथक जथेबंदियां ने पंजाब वालों जड़िया संघर्ष का संबंध उन्होंने तो बगैर जो दूजिया इतों तक कहा गया कि सरकार भंग करनी चाहिए अमृतपाल फड़ते नहीं इन्हों करके सरकार का हौसला वाधा जो इन्हों की कम्यूनिटी विरोधता कर रही है फिर सरकार का हौसला वाधा मेरी सारे बेनती जो किसी ने नहीं भी सहमत तो विरोधता ना करो चुप रहो ना सपोर्ट करो
पर दुश्मन के हाथ मजबूत ना करो जिस तरह हूं हो जेड़े पानी पी पी के कोसते हूँ ओरी हमायत में बोल रहे हैं। बहुत पंजाब के सिख आगू जेड़े संघर्ष तरह नहीं सहमत से उन्होंने यदि विरोधता की है ये बड़ी मंदभागी गल इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी मेरी बेनती है कि जदों कोई पंजाब के घटना वापरती है आप रिस्पोंस इतने कोई प्रोग्राम करते हैं जिन्ना चेर आप कोई कॉन्टीन्यू प्रोग्राम नहीं देंगे लगातार प्रोग्राम नहीं देंगे उन्ना चेर ये मसले हल नहीं होने। 26 जनवरी 15 अगस्त को जिहड़ी इस मसले की जड़ है उदों भी आ गिनती होनी चाहिए है उदों भी बढ़ चढ़ के आना चाहिए है तो आप सारे जो कोशिश करते रहिए लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम देंदे रहिए विचार प्रतंत्रा करते रहिए जिदे मोमेंटम रहे कि असी खालसा की प्राप्ति करनी है उदो नहीं जो पंजाब को घटना वापरती है। हम जिस तरह अपने नौजवानों ने दसिया कि वो वकील ने भी फड़ लिया जसपाल सिंह मनकौर जिन्हें देश तैयार की दसो ये क्राइम है। सो जे तुम अपने हकों की गल करनी है उन्होंने फिर भी फड़ना अज भी वो हाई कोर्ट के गए जो कौम इंसाफ मोर्चा चुकाने लिए हाई कोर्ट ने पंजाब की सरकार को इजाजत नहीं दी चकन की वो कहते कोई गैर कानूनी नहीं ये वधिया ढंग दे नाल अपनियां मंगां रख रहे हैं। सो मेरी सारयां नूं बेनती है 5-7 जगह मोर्चे लाने की बजाय एक थां मोर्चा ला के उन्हों तकड़ा करके आप अपनी लड़ाई लड़ीए। सो नौजवानों नूं बेनती है कि जो अजिहे प्रोग्राम होंदे आ जे उत्थे लड़ाई झगड़ा होंदा तुहानूं गल चंगी तां नहीं लगनी फिर आपका जो मैसेज है सही हो गलत हो जाता आप धीरज के नाल अपनी गल अपना केस अपना दुनिया के सामने जदा तक कर रहे हैं इदा होना चाहिए। सो मेरी सारे को बेनती है कि आप अपना काम नहीं छोड़ना आप अपना फर्ज करते अपना फर्ज पूरा करते रहना आप दूसरी गल है कि पंजाब के अपने सारे को अपने घर गल मान लेनी चाहिए है कदे आप बिजली लिए मोर्चा लाने कदे आप पानी लिए मोर्चा लाने कदे आप बंदी सिंह मोर्चा लाने कदे आपी लिए मोर्चा लाने आप एक मोर्चा लाने की लड़ है जो खालसा लिए हो यह मैं समझना कि पंजाब के तशद्दुद करके पुलिस का प्रेसर करके सरकार का प्रेसर करके बहुत औखा पर जिनी भी वो गल कर रहे हैं बधाई दे पात्र है पर आप बहर इदा का कोई डर नहीं है आप बढ़ चढ़ के यह जो मोमेंटम है जारी रखिए। सो जिन्हों भी नौजवानों ने अज का प्रोग्राम लिखा उन्हों का असं धन्यवाद करते हैं तो बार भी बेनती करते हैं कि पंच प्रोग्राम इस तरह मोहरे होकर लिखा करो ता जो नौजवानों की बहुत गिनती प्रोग्राम है जो समूहत कर सके। अब तुम आले दुआले निगाह मार के देखो 80-90% नौजवान हैं जेड़े नौजवान मोहरे होकर काम करे फिर ही आप किसी मंजिल तो पहुंचना बुजुर्ग सारे थोड़े तो नाल आ मोढ़े में मोढ़ा ला के खड़े आ। सो सारा से थानू हम दो चार खालसान के नारे लाने तो अपने जिन्हों आप सुना है उन्होंने कन्ना तक पहुँच जाए गल खालिस्तान 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 मैं कोई लंबे चौड़े ज्यादा तत्ते भी भाषण नहीं देने
लेकिन असी पास्ट विच मिछे की करते रहे हुण असी की करते हैं ते गाह की करना इत्थे गल होनी चाहीदी बहुत जरूरी इदां दे इकट्ठ माफ करना तुसी गुस्सा ना करियो सारे जाने मैं ये गल्लां अपने दुश्मन के सामने कहनियां चाहुंदा थोनू जिहड़ा इदां तिरंगा लमकाया ना ना अपनी अंबैसी दे बाहर बेशक महाराजा पटियाला गद्दार सी सिख कौम दा लेकिन यह याद रखना चाहिए काले पीलिया जो अंदर खड़े आ ये बिल्डिंग सारी सिखा की सी महाराजा पटियाले की जी उन्हें इन्हों दी हुई है प्रॉपर्टी भी कदे सिखा की होया करती सी अज जी इन्होंने को जेड़ा तिरंगा इटा इन्होंने लाया ना इन्हों जान लगे दिखाते हैं ये 40 फुट तिरंगा जदों कुत्ते भी नहीं मूतते इतने थले पछाया हुआ एक होर गल जेड़ा कुछ पंजाब कर रहे हैं वह कला भाई अमृतपाल सिंह करके नहीं मैं पहला भी यह गल कही अमृत संचार उत्थे होर भी बहुत होंगे सिक्खी का प्रचार उत्थे दूजे प्रचारक भी करते हैं लेकिन भाई अमृतपाल टारगेट क्यों किया गया अमृतपाल टारगेट नहीं किया इन्होंने अमृतपाल की जड़ी पंजाब नू गुलामी तो लाने वाली सोच सी इन्होंने उस सोच नू टारगेट किया उस सोच कदे दीप सिद्धू की सी उस सोच कदे अज जिहड़े जेलां च बैठे नौजवान उन्होंने सी उस सोच कदे संत जरनैल सिंह की सी उस सोच कदे 1947 वाले सारे उस तो पहला काले पानी गए बाबियां की सी इन्होंने उस सोच नू टारगेट किया सही मायनियां दे विच अमृतपाल दा मिशन जिहड़ा उहनू अगे लैके जाना ही सही शब्दां दे विच उहदा सत्कार करना है जिहड़ा अज अमृतपाल सिंह नाल होया इह कोई नवीं चीज नहीं होई इह साडे नाल पहलां तों हुंदा आया साडे नौजवानां नू काले पाणियां च पहलां तों सुट्टदे आए आ इह कोई नवां संघर्ष नहीं इहनां ने करना पिछे भी कीता हुण भी कीता लेकिन जिहड़ी गल मैं थोनू रिमाइंड करवाउणी चाहुंदा उहनू याद रख लिओ मैं इदां दे कट पिछले 20 साल दे विच कई देखे ने खालिस्तान
Yeah.